हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में बहुत सी जानकारी देखी थी और मैंने आपको वो फिल्टर्ड जानकारी दी थी जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अब हम देख रहे हैं मौर्य काल के बाद एक वंश का उदय हुआ जो है शुंग वंश। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। शुंग वंश का काल है 185 ईसा पूर्व से लगभग 75 ईसा पूर्व। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहदत्त जो कि मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के आखिरी सम्राट थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम के अनुसार वह एक अनार्य था। उसने अपने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या उस समय कर दी जब वह अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रहा था। बृहदत्त मौर्य जब अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रहे थे तब पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी थी। अब उसका कारण भी देख लेते हैं कि इसका कारण यह ज्ञात होता है कि यूनानी सेनाएं पाटलिपुत्र पहुंच गई थी और मौर्य सम्राट बृहदत्त जो है वो प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था। तो हो सकता है कि शुंग को यह लगा हो कि यह असमर्थ है तो मुझे लीड करना चाहिए और यूनानी सेनाओं का सामना करना चाहिए। वह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था और उसने दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता पतंजलि उसके यज्ञों के पुरोहित हुआ करते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है शुंग शासक भागभद्र, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा हुएंगे उनमें से एक भागभद्र थे जिनको भागवत भी कहा जाता था। उनके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल किट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा, जिसका प्राचीन नाम बेस नगर है, वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने क्या देखा कि शुंग वंश जो है मौर्य काल के बाद इसका उदय हुआ, जिसका काल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व बताया जाता है, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व। महाकवि बाणभट्ट द्वारा जो हर्षचरितम रचा गया है उसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक अनार्य था। उसने अपने सम्राट बृहदत्त मौर्य की कब हत्या कर दी थी, जब वो अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रहे थे। अब इसका कारण क्या है कि इसका कारण यह ज्ञात होता है कि यूनानी सेनाएं पाटलिपुत्र पहुंच गई थी और मौर्य सम्राट जो है वो प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ थे, तो इन्होंने उनकी हत्या कर वहां पे शायद यूनानी सेनाओं का सामना किया था। वह कट्टर ब्राह्मणवादी था और उसने दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे है कि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता पतंजलि, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता पतंजलि जो है उसके यज्ञों के पुरोहित हुआ करते थे। और शुंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, शुंग शासक भागभद्र जिसको भागवत भी कहा जाता है उसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला का यवन शासक एंटियाल किट्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा था। तो इस हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ जो है वो उसकी स्थापना किसने की थी, या फिर हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ जो स्थापना की वो कहाँ की है, हेलियोडोरस ने विदिशा में क्या स्थापित किया था, हेलियोडोरस किसका राजदूत था, ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो क्या है कि शुंग शासक भागभद्र यानी कि भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला का जो यवन शासक यानी कि बैक्ट्रियन, यवन मतलब क्या होता है, ग्रीक, यवन शासक जो एंटियाल किट्स था उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था कहां, विदिशा, और उसने विदिशा में यानी जिसका प्राचीन नाम बेस नगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो गरुड़ स्तंभ है उस पर दंभ, त्याग और अप्रमाद, ये तीन शब्द अंकित हैं। क्या, दंभ, त्याग और अप्रमाद, ये तीन शब्द अंकित हैं कहां पर, गरुड़ स्तंभ पर जो कि विदिशा बेस नगर में हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। अब हेलियोडोरस कौन था, एंटियाल किस्ट जो कि
तक्षशिला का यवन शासक था, उसका राजदूत था। हेलियोडोरस का जो ये स्तंभ है, ये हिंदू धर्म के उदय होने की जानकारी देता है, मतलब यहां से हिंदू धर्म का उदय होता है। ठीक है, हेलियोडोरस का जो स्तंभ है वो हिंदू धर्म के उदय होने की जानकारी देता है। जैसे ही भागवत धर्म का, इसके बाद ही भागवत धर्म का उदय हुआ, वह वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हो गई। अब अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र एवं देवभूति, ये कुछ नाम है। अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति इस वंश के कुछ अन्य शासक रहे हैं, जिनमें से भागभद्र के टाइम पे हेलियोडोरस आए थे। और फ्रेंड्स, मालविकाग्निमित्र जो एक नाटक है, इसके जो नायक हैं वो यही अग्निमित्र हैं। इसकी रचयिता किसने की थी? कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र के जो नायक हैं वो अग्निमित्र हैं, वो यही अग्निमित्र हैं, मतलब शुंग वंश के अग्निमित्र। अब शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या, देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हैं, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वासुदेव ने की, और कण्व वंश, इसके बाद आ जाएगा कण्व वंश, किसने की? वासुदेव ने। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने की और कण्व वंश की नींव रखी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग के प्रयासों से ही पतंजलि ने पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जैसे जो ग्रंथ हैं उन पर महाभाष्य लिखा था। किसने? पुष्यमित्र शुंग के प्रयासों से ही पतंजलि ने क्या किया था? जो पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ की रचना की थी, उन पर महाभाष्य लिखा था। किसने? पतंजलि ने। किस पर? अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी किसने का रचयिता कौन है? पाणिनि। और अष्टाध्यायी के महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स शुंग वंश से रिलेटेड। किसी भी एग्जाम के लिए इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर और जीके के वीडियोस के लिए देखते रहिए स्पर्धा ज्ञान।